दलितों के प्रदर्शन से आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं इस पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। जहां पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खिंचाई की, तो वहीं मायावती भी बीजेपी पर जमकर भड़की। उन्होंने मोदी सरकार पर दलितों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि अब दलित बीजेपी को सत्ता में रहने नहीं देंगे। SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर सरकार और विपक्ष में आर पार की ठन गई है। केंद्र अपनी दलीलें दे रही है और विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा है। जहां पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं अब दलित नेता और बसपा सुप्रीमो मायावती भी जमकर बरसी हैं। उन्होंने मोदी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि मैं SC ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन करती हूं। मायावती ने कहा कि सदन के बाहर रहते हुए भी हम सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। इस सरकार ने कभी दलितों का भला नहीं चाहा, हमेशा ऐसे फैसले लिए जो दलित विरोधी हैं। लेकिन अब ज्यादा दिन वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि दलितों ने अब इस सरकार को हटाने की ठान ली है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर मायावती ने कहा कि हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी उनका समर्थन नहीं करती जो उत्पात मचाते हैं। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट।